असा त्रिसना ना मरी बिरके ग्यो दास कबी। जहां भगत मेरो पाव धरे वहां दरू में हाथ, लारा लारा में पिरू में कद्या न छोड़ू साथ। सारी दुनिया देखो राम राम करे, लेकिन राम कैसे मिलते हैं? चार पंक्तियों के माध्यम से आपको बता रहा हूं, उसके बाद मेरी रूपा देवी जी को राम मिलाएंगे। हे राम नहीं एक नारा वो विश्वास है। राम जी कोई नारा लगावे की चीज नहीं है, राम जी तो खाली एक विश्वास। हे राम नहीं एक नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की आस है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु या पंडित पंडों का, सन्यासी साधु या पंडित पंडों का। राम नहीं मिलते हैं धन चौबारों में, और राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम कहाँ मिलते हैं? गरीब आदमी की आवाज में राम मिलते, इसलिए भगवान को दीनानाथ कहा जाता है। राम मिले हैं पंचवटी की छाव को, और राम मिले हैं अंगद वाले पाव को। राम मिले हैं अंगद वाले पाव को। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, और राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। ताली बजाओ एक बार भगवान, क्या बात है, यहां मिलते हैं राम। राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने में। क्या बात है ए जी, राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं प्रण हेतु वनवासों में, और राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले हैं, अब अर बाबू जी उतार गया ने। राम मिले अनुसुया की मानवता को, और राम मिले सीता माँ की पावनता को। राम मिले सीता माँ की पावनता को। राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, ये जी राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, और राम मिले ममता की माँ कौशल्या को। राम मिले ममता की माँ कौशल्या को। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, मंदिर के परिक्रमा लगावो राम जी नहीं मिला करे, राम जी कटे मिले देखो आप। और राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, और राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। ये इतनी जगह है राम जी मिलवा के। राम नहीं मिलते हैं धन चौबारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, और राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाव को, और राम मिले हैं अंगद वाले पांव को। राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, तो राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं प्रण हेतु वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले सी अनुसुईया की पावनता को, मानवता को, और राम मिले हैं सीता माँ की पावनता को।
राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, तो राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या को। राम नहीं मिलते हैं मंदिर के फेरों में मेरे सजनों, राम मिले हैं शबरी के झूठे बेरों में। एक बार ताली बजा दो शबरी की। शबरी का नाम शबरी क्यों पड़ा? इसका भी एक कारण था। शबरी का नाम शबरी ही क्यों रखा गया? शबरी का गुरुदेव को नाम हो मतंग ऋषि, इतना अच्छा गुरु और वहां की इतनी अच्छी शिष्या। शबरी की भक्ति ने देखकर एक दिन मतंग ऋषि बोले, बेटा मन विश्वास से कि एक दिन थारे घरे राम जी आवेला, एक दिन तेरे घर पे राम जरूर पधारेंगे। शबरी ने विचार किया, शबरी विचार करी के पता नहीं कौन से दिन राम आ जाओ, तो अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी ने रोजिना झाड़ दी, रोजिना बुहार दी, कब आएंगे मेरे राम। रोजिना भी को श्रृंगार करती, पता नहीं कौन से दिन राम जी आ जावे। इतना बरसा तक शबर करी, इतना बरसा तक शबर करी के भी को नाम शबरी हो। तो जो शबर करता है उसका नाम शबरी हो जाता है, और जो शबर का फल इसीलिए मीठा कहलाता है। एक बार जिक्र लगाओ भगवान श्री राम का। बोलो रामचंद्र भगवान की। चलो साहब, हमारे भाई साहब की एक फरमाई से वन चले राम रघुराई, तो ये भजन सुन लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है। भगवान श्री राम का नाम चर्चा चल रही है तो क्यों नहीं सुनते। राम समो नहीं देवता तो लक्ष्मण समो नवीर, सीता समो नहीं भारिया बीरा गंग समो नहीं नीर। बहुत ही प्यारा भजन है। जिस प्रकार श्री राम वन में जा रहे हैं, पशु पक्षी भी कुल्लाने लगते हैं, ये धरती माता भी रो पड़ती है, आसमान भी रो पड़ता है। आज जिनका अभिषेक होना था उनको जंगल वनवास में जाना पड़ रहा है।